मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट से 20 बरस से चले आ रहे हार के सिलसिले को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने छतरपुर राजघराने की बहू कविता सिंह को जिम्मेदारी दी है। कविता सिंह के पति विक्रम सिंह खजुराहो के तहत आने वाली राजनगर विधानसभा से विधायक हैं। इसके मुकाबले भाजपा ने अपने प्रदेश महामंत्री विष्णु दत्त शर्मा को मैदान में उतारा है, लेकिन विष्णु दत्त शर्मा का बाहरी होने के कारण विरोध होना शुरू हो गया है। इसके चलते भाजपा के लिए अपने इस गढ़ को बचाना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। परिसीमन के कारण खजुराहो लोकसभा सीट का भूगोल कई बार बदला है। अगर 1977 के बाद हुए 11 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 7 बार भाजपा, 3 बार कांग्रेस और 1 बार लोकदल का प्रत्याशी खजुराहो से चुनाव जीता है। साथ ही उमा भारती खजुराहो से 4 बार जीतकर लोकसभा में पहुंची है। उमा भारती को 1 बार खजुराहो से हार का भी सामना करना पड़ा है। गांधी परिवार के नजदीक मानी जाने वाली विद्यावती चतुर्वेदी 2 बार खजुराहो से चुनाव जीती है। अंतिम बार 1999 में विद्यावती चतुर्वेदी के पुत्र सत्यव्रत चतुर्वेदी ने खजुराहो की सीट कांग्रेस की झोली में डाली थी। पिछले 3 चुनाव खजुराहो से भाजपा जीत रही है। 2014 में भाजपा के नगेंद्र सिंह ने कांग्रेस के राजा पटेरिया को भारी अंतर से हराया था। भाजपा के उम्मीदवार विष्णु दत्त शर्मा का संबंध मुरैना से है और उनको आरएसएस के नजदीक माना जाता है। विधानसभा चुनाव में भी विष्णु दत्त शर्मा को टिकट दिलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाबूलाल गौर के विरोध के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव में विष्णु दत्त शर्मा की भोपाल से खजुराहो तक की टिकट यात्रा भी काफी दिलचस्प है। पहले विष्णु दत्त शर्मा को भोपाल से टिकट देने की बात चली, लेकिन भोपाल से कांग्रेस द्वारा दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद विष्णु दत्त शर्मा का नाम पीछे हो गया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना से भोपाल भेजने की बात पार्टी में चली। इस पर विष्णु दत्त शर्मा ने मुरैना की सीट पर अपना दावा ठोक दिया, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर पार्टी में अपने रसूख के चलते मुरैना की टिकट पाने में कामयाब हो गए। खजुराहो से 2014 में भाजपा की ओर से जीतने वाले नगेंद्र सिंह विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। इसके चलते विष्णु दत्त शर्मा खजुराहो की टिकट पाने में सफल हो गए। खजुराहो से विष्णु दत्त शर्मा को टिकट देने का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। शर्मा को टिकट देने के विरोध में पूर्व विधायक गिरिराज किशोर उर्फ राजू पोद्दार ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। कई स्थानों पर विष्णु दत्त शर्मा के पुतले भी जलाए गए। पूर्व में भी बारी उम्मीदवारों को ढोने का दर्द झेल चुके खजुराहो के भाजपा कार्यकर्ता पहले ही पार्टी से स्थानीय नेता को टिकट देने की मांग कर रहे थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि वाले विष्णु दत्त शर्मा को संगठन का काफी लंबा अनुभव है। भाजपा के संगठन की मजबूती और राष्ट्रवाद की लहर के बावजूद विष्णु दत्त शर्मा के लिए सभी को साथ लेकर चलना बड़ी चुनौती साबित होगी। खजुराहो लोकसभा सीट पर इस पर 13.5 लाख मतदाता हैं। इनमें से 3.5 लाख मतदाता ब्राह्मण हैं। करीब आधे मतदाता पिछड़ी जातियों से संबंध रखते हैं। अगर 1977 के बाद हुए 11 चुनावों की बात करें तो खजुराहो से 4 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय और 5 पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। पिछले 2 चुनावों में भाजपा ने क्षत्रिय और कांग्रेस ने ब्राह्मण उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन इस पर दोनों पार्टियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। भाजपा ने ब्राह्मण उम्मीदवार पर दाव लगाया है तो कांग्रेस ने क्षत्रिय उम्मीदवार को टिकट दिया है। खजुराहो लोकसभा सीट में कटनी और पन्ना जिलों की 7 विधानसभा सीटें शामिल हैं। कांग्रेस की उम्मीदवार कविता सिंह पन्ना जिले की बेटी और कटनी जिले की बहू है। कविता सिंह वर्तमान में खजुराहो नगर परिषद की अध्यक्ष है। उनके पति विक्रम सिंह को इलाके के लोग सम्मान से नाती राजा के नाम से पुकारते हैं। छतरपुर राजघराने से संबंध रखने वाले विक्रम सिंह 4थी बार विधायक चुने गए हैं। जल्दी उम्मीदवारी की घोषणा का लाभ भी कविता सिंह को मिलेगा। नामांकन पत्र दाखिल करने के समय कविता सिंह द्वारा निकाला गया रोड शो प्रभावशाली था। ऐसे में देर से दौड़ में शामिल हुए भाजपा के विष्णु दत्त शर्मा के लिए खजुराहो की राह आसान नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।